कांग्रेस विधायक डॉक्टर अशोक मर्सकोले ने भाजपाइयों पर सरकारी बिल्डिंग की दीवार तोड़कर अपने कार्यालय में जाने का रास्ता बनाने व सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए तानाशाही बताया है। मंडला के पौश इलाके में वीआईपी सर्किट हाउस है, उसी के सामने जो गार्डन है उसी की दीवार से लगा हुआ भाजपा कार्यालय बना हुआ है। जो भाजपाइयों ने अपने कार्यालय में आने जाने की सुविधा हेतु वीआईपी सर्किट हाउस की दीवार तोड़कर नया रास्ता बना लिया है, जिसमें बाकायदा पक्का गेट लगा दिया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक डॉक्टर अशोक मर्सकोले ने भाजपाइयों पर सरकार का दुरुपयोग व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने का आरोप लगाते हुए सवाल खड़े कर दिए हैं। वही अधिकारियों का कहना है कि शासकीय वीआईपी गेस्ट हाउस की दीवार तोड़कर रास्ता तो बनाया गया, लेकिन दीवार किसने और क्यों तोड़ी है उसके बारे में नहीं पता, लेकिन फिर भी हम उस रास्ते को बंद करवा दे रहे हैं क्योंकि वीआईपी गेस्ट हाउस में इस तरह के आम रास्ते नहीं बनाए जा सकते हैं, ये सरकार के नियमों के विरुद्ध है। आपत्ति नहीं, उन्होंने एक अपनी सुविधा बनाई थी कि हम जब चाहे यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। विषय दूसरा होता है कि एक वीआईपी सर्किट हाउस है और अपने कार्यालयों की अपनी एक गरिमा होनी चाहिए। सरकारी संपत्ति को ऐसे करके अपने यूज़ के लिए उसका उपयोग नहीं होना चाहिए। ये यही एक बात होती है। वीआईपी का अपना एक रहता है जिसमें पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और सभी लोग आते हैं और उनकी सुरक्षा और इन सब चीज़ों के होता है। ऐसे किसी भी मैटर पर जिसमें प्रशासन को बिना किसी नॉलेज किए अपनी सुविधा के लिए उसको रास्ता बनाना, ये गलत है, है ना। तो हमारा यही कहना है कि ये ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए। सत्ता पक्ष की एक दंभ अलग हम कह सकते हैं, वो तानाशाही के रूप में नहीं दिखना चाहिए कि प्रशासन को हम देख पा रहे हैं। आप यहाँ पे किसके द्वारा ये सब किया जा रहा है, क्या देख पा रहे हैं? सरकारी दीवार को तोड़ना, देखिए सरकारी दीवार है और इस तरफ कार्यालय है बीजेपी का, तो ऑब्वियसली सरकारी अधिकारी ऐसे काम तो करेंगे नहीं और किसी को ऐसी ज़रूरत भी नहीं होगी। तो ऑब्वियसली कार्यालय की तरफ से यहाँ के लिए रास्ता बनाया है, ये सब कुछ स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ये अलग बात है कि सरकारी अधिकारी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, कुछ कार्यवाही की स्थिति में भी नहीं है, कहीं ना कहीं इनके अंदर डर समाया हुआ है, तो ये खौफ का माहौल बना के रखना चाह रहे हैं, यही बात कह सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या बोलें। कल ही हमारे संज्ञान में आया है ये मामला। हमारे कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि यहाँ दीवार तोड़ के गेट लगाया गया है, और जैसे ही हमारे संज्ञान में आया है और उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार हम दोबारा यहाँ पे जुड़वाई करवा रहे हैं, तो जिससे सुरक्षा बनी रहे पहले के जैसे। मैम क्या लगता है आपको, किसने तोड़ा होगा दीवार? देखिए इस बारे में तो मैं कुछ कह नहीं पाऊँगी, हमारे विभाग की तरफ से तो ये नहीं हुआ है क्योंकि हमें खुद ही बाद में पता चला है इसके बारे में। मैडम बगल में बीजेपी दफ्तर है, साफ तौर पर दिख रहा है कि शायद उन्होंने बीजेपी वालों ने किया होगा। अब इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी, क्या करेंगी आप विभागीय तौर पर? जी देखिए, जैसे ही जैसे आदेश होंगे अधिकारियों के, हम उस पर वैसे ही काम करेंगे। अभी मैं कुछ कह नहीं पाऊँगी। क्या शुभ नाम दिखती है, पद नाम? आयुषी सिंह, अनुविभागीय अधिकारी PWD। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए मंडला से प्रदीप दुबे की रिपोर्ट।